स्टाइल वेज कोल्हापुरी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमें अलग अलग तरह के मसाले बनाने हैं, तो चलिए पहले हम मसालों की तैयारियां कर लेते हैं। एक पैन में हम एक चम्मच सूखा धनिया डालेंगे, सफ़ेद तिल, 8-10 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 4-5 लौंग, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच खसखस दाने, चम्मच हम ये ड्राई कोकोनट इसमें डालेंगे। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। एक मिनट चलाने के बाद हम इसमें ये बड़ी इलायची है इसको छीलकर इसको भी इसमें डाल देंगे। 2 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट चलाने के बाद हमारे मसाले भुन गए हैं और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो हम इसे अब बंद करके ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। अब हम लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है और इन्हें 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया था ताकि ये जब मैं पीसूँ तो अच्छा पेस्ट बन जाए। जो मैंने यहाँ पे सूखे मसाले रोस्ट किए थे उनका पाउडर भी तैयार है और कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन की जो मैंने पेस्ट बनाया है वो भी तैयार है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप किसी भी कम तीखी मिर्च को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस सब्जी में आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर ही लेनी है। इनके बिना वेज कोल्हापुरी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आप ये 2 चीज़ें बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। एक पैन में मैंने ये 1 चम्मच तेल ले लिया है, वो तेल अब हल्का सा गर्म हो गया है, तो हम इसमें इस तरह से चॉप की हुई प्याज को डाल देंगे। ये 2 प्याज मैंने यहाँ पर ली हैं, इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए 3 मिनट के बाद ये प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो हम अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर यहाँ पे काट लिए हैं, इसे भी अब हम 2 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कली डालेंगे, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ और 15 से 20 काजू डालेंगे और इन सब चीज़ों को अब हम जैसे ये टमाटर गल जाए तब तक पकाएंगे। हम इसमें करीब 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। देखिए 5 मिनट के बाद ये टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जब तक प्याज और टमाटर ठंडे हो रहे हैं हम एक प्रोसेस और कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर गोभी, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स और गाजर, इनको मैंने हाफ बॉईल कर लिया है और ये आलूओं को मैंने थोड़े से तेल में इस तरह से फ्राई कर लिया। देखिए एक पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल लिया है। अब तेल हल्का सा गर्म हो गया है तो हम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। हाफ बॉईल सब्जियां हैं उनको इसमें ऐड कर देंगे और उसको जल्दी जल्दी इस तरह से मिक्स करेंगे। साथ में हम पनीर डालेंगे और जो आलू मैंने तल लिए थे उन्हें भी इसमें ऐड करेंगे। हरी मटर जो मैंने बॉईल कर ली है इसको भी इसमें ऐड करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट तक हम सब्जी को इस तरह से बार बार घुमा घुमा कर पकाएंगे। आप इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, आपकी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनेगी। 5 मिनट के बाद इसमें से बहुत ही अच्छी भुनने की खुशबू आने लगी है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने ये 1 बड़ा चम्मच ये देखिए तेल लिया है। अब इसमें मैं 2 स्पून करीबन बटर है इसको ऐड कर दूंगी। बटर और तेल अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम उसमें तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे। 1 मिनट चलाएंगे। अब हम इसमें मिर्ची और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी मीडियम गैस पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 बाउल में हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, इन सब मसालों को डालकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और एक पेस्ट तैयार करेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अब ये पेस्ट डाल देंगे।
इस तरह से अगर हम मसाले ऐड करते हैं तो मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमेशा पानी में घुलकर ही मसाले हमें डालने चाहिए। ये देखिए 2 मिनट पकाने के बाद तेल और मसाले अलग हो गए हैं, तो अब हम इसमें प्याज और टमाटर की जो हमने पेस्ट बनाया है उसको ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मसाले को ढककर 5 मिनट पकाएंगे। 7-8 मिनट पकाने के बाद ये देखिए ग्रेवी काफ़ी हद तक पक गई है, तो अब हम इसमें जो मसाला रोस्ट किया था उसको डालेंगे। ये 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। बाकी मसाला बच गया है उसे एयर टाइट डिब्बी में भरकर हम रख देंगे। इसे हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए ग्रेवी अब बहुत अच्छे से पक गई है, तेल भी ग्रेवी में से निकल आया है, तो अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी इसमें डाला था, तो थोड़ा सा सावधानी से ही इसे यूज़ करेंगे। अब हम इसे स्लो गैस पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। सब्जी को हम बार बार इस तरह से चलाते जाएंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। ये देखिए 10 मिनट करीबन हो गए हैं और सब्जी अब अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच अमूल की क्रीम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने ये वाली क्रीम ली है, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप 2 चम्मच इसमें मलाई डाल दीजिए। मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी को इस तरह से मसल कर इसमें डाल देंगे और अब हम इसे 1 मिनट के लिए ही चलाएंगे। क्रीम डालने के बाद हम सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 मिनट ही पकाएंगे। और अब हम इसमें हरा धनिया डालकर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज पुलकोरी बनकर तैयार है। तो आप जिस मेथड से मैंने बनाया है उस मेथड से इस सब्जी को बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस ये सब्ज़ी लगेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।